नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। साहब हाँ बोलिए। जो फोन आपके पास गया था वो किसी गैर का नहीं था। किसका है वो फोन? मेरा था सरकार, मैं ही आकाश कुमार हूँ, अमरपुर यही है। सरकार मेरे घर में गजब हो गया सरकार, आज मैं दुनिया वालों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, साहब लायक नहीं हूँ। मेरी बात सुनो सरकार। क्या हुआ बताता क्यों नहीं? बतला रहा हूँ सर, मेरे मासूम पुण्य को मेरी पत्नी ने मारा है। आज मेरे मुन्ने को मेरी धर्म पत्नी गीता ने उसका गला खोड़ दिया है साहब, मैं इसका सबूत देने के लिए तैयार हूँ। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। यानी तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों को खून कर दिया? हाँ साहब, ये मेरी धर्म पत्नी गीता है, और न विश्वास हो तो नजर उठा करके देखो साहब। साहेब ओहो, ये चाकू, ये तो पापनी लग रही है। कौन ऐसी माँ होगी अपने बच्चे को काट के खाएगी? लाश उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है साहब, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ साहब। क्या कहना चाहते हैं? कि शराब खोर को कड़ी से कड़ी सजा देना साहब, तक इसके समझ में आ जाए कि एक मासूम बेटे का खून करने का नाम क्या होता है। साहब अगर मेरी थाने से लेकर अदालत तक जरूरत पड़ेगी तो मैं जो बातें आपके सामने कह रहा हूँ यही बातें मैं गवाही के रूप में भी कहूंगा। लेकिन हाथ चोर कर निवेदन है साहब, इसे छोड़ नहीं साहब, इसे जरूर सजा देना साहब, जरूर सजा देना। अपने बच्चे को सुनो, हथकड़ी लगाओ, ले चलो थाने। ऊपर वाले का थोड़ा सा भी डर नहीं? अरे वाह, तू कैसी औरत है? नहीं साहब, मेरी बात सुनो। चल अभी खाने चलेगी तो पता चलेगा। मौत का मालूम नहीं
मौत का मालूम नहीं कारण, बनाओ ना मुझको प्रभु है मेरा कष्ट निवारण, प्रभु है मेरा कष्ट निवारण, बनावो ना मुझको साहब। मेरी बात पर विश्वास करिए, मैं अपने मासूम बच्चे का हत्या नहीं क्यों साहब। क्या करो, ले चलो थाने। थाने थाने सब सबूत मिला है तुम्हें। अबे अबे तुम्हारा पति गवाह है। लाश मिली है साहब। जरा एक बार सोचो, कौन सी माँ स्थान में होगी इतनी बेदर्द जो अपने हाथों से अपने मासूम बच्चे कत्ल कर देगी साहब। जरा आप सोचिए। चल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू चल थाने। Yeah.
मुलजी भाजी। तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। सर क्या क्यों बच्चे का तू खून, क्या क्यों बच्चे का तू खून, औरत पूछ रहा था। ये बता, ये थोड़ा सा छोटा सा मासूम बच्चा, ओ तेरा क्या बिगाड़ा था, अपने ही बच्चे का तूने खून कर दिया, तू कैसी औरत है। मैं कितनी बार कहूं कि मैं अपने मासूम बच्चे का हत्या नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करे सर। कैसे विश्वास कर लूं? बताओ, तेरे हाथों में चाकू और तेरा ही पति गवाही देने के लिए तैयार है, मैं तेरी बात को कैसे मान लूं? मैं भगवान की कसम खा के करूं कि मैं अपने मासूम बच्चे की हत्या नहीं कर सकता। मेरी बात को यकीन करिए साहब। राम रोश कहा तही साहेब। हाँ बोलो। भगवान की कसम खा दिया है साहेब, हमार कहा माना तो सत्य भूलतिया है, यानी सच बोल रही है। कभी इतना मुलजिम आए चला गए, लेकिन आंख से आंसू इसके बंद नहीं हुआ, बराबर यही कहती चली आ रही है साहेब कि मैं निर्दोष हूँ। ये भगवान की कसम खा रही साहेब, हमारे छोड़ दे। तुम बात बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसी का पति तो ये बता रहा था कि मेरी बीवी अपने बच्चे का खून कर दिया। निर्दोष लग रही है, मेरे समझ में आ रहा है कि कोई परमात्मा की कसम नहीं खाएगा। ठीक है, हथकड़ी छोड़, खोल दो। देखा बहन, आज तो काम छोड़ते ही, लेकिन ऐसा काम जिंदगी में कभी न करी। अगर दोबारा फिर ऐसे काम किया तो समझ लो कि तेरी मौत हो जाएगी। अच्छी है। आपके बाल बच्चे सदा खुश हो मालिक। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन अगिंदा ऐसा काम करती पकड़ी गई ना तो हमसे साहेब से बुरा कोई नहीं होगा। जितना अरे कैसे दिन बीतीरा जतना बताए जरा, कैसे दिन भाई साहब को नमस्ते पहुंचे। पारे गंगा यही पारे जमुना।
अब चकाल बा ठीक बा का करत है जवन जवन करावत आ गई देख नाखी आएगी बटे हम अपने बन के भैया के राखी बांध दे बचा छोटका भैया या गए हमारे भैया दीपक केसरवानी या गए हमारे भैया दीपक केसरवानी मोटिया धान 1400 रुपये कुंटल बिकात बा भैया अच्छा करा धनवा ध्यान से बेचा जाए तू लोग जिन भाई को बेचना हो हमारे दीपक भैया से संपर्क करें 11 रुपये दे रहे हैं पार्टी करके भाई साहब को नमस्ते इधर बिना उसावा ले ठीक नहीं यार चाहे उसावा रहा चाहे नहीं लेकिन सब उससे बात 1400 रुपये में भैया के राखी बांधे चल हां रे बच्चा चलता हूं संगे आ चल बे बिल्कुल चला लगा प्रधान भैया तेरा राखी बांध दे बचा वो पगला छुटका भाई राखी के त्योहार आते इतने दिन बाद साल भर के बाद भाई बहन मिलन होत है हाई बात बा ये आके बहुत मैगर यहां तू कितना बात छोड़ भाई हमारे यहां का कही सबेर होई के बा गुड्डू भैया का तो हमारी अटरिया पे आना है सवरिया ए भाई लेके पहुंचो तब राखी वाले की थोया ए हमारी अटरिया पे ए हमारी अटरिया पे आना रे सवरिया वक्त गीता ना जाने की सालात में होगी अब उसे पता चलता होगा कि एक मासूम बेटे का खून करने का अंजाम क्या होता है मैं चलते चलते काफी दूर आ गया सोच रहा हूं थोड़ी देर यहीं पर रुककर आराम कर लूं फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा मालिक तेरा ही सहारा है देख पगला भाई देखी हमका तो तुरंत गुस्सा है न जा रे देखा बुआ अब चाचा जाना था मैगर हाई है वहाँ अगर आज हमारे बहन होते ना हम तो बबूरे के पेड़ में फर आई ते बबूरे पेड़ फरे अरे पगला जिसे बुआ कहते यानी प्रेम कई तरह के होता ये बात तो जा कर जेकर मान लो बहन नहीं तो बुए बांध दिया तब बहन बांध दे भाई तब कौनो बातों का फिर दिया बहु का का देबे सामान सामान मेले वाली इराकी के बनाई सामान दे तब
कैसा सामान रे? अंगूठी दे तो ऐसे बताओ। देख एक बात बा, हम याद राखी ऐसा बांध देव अपने भाई के, ऐसा राखी बांध देव ना तो कोनो बहन बाने होई, ना तो कोनो बहन बाने का कोशिश करे। अरे रे रे, अरे बड़े भैया मैंने बने ना बहन। अरे भैया आज मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने तुझसे वादा करके आया था ना कि जब मेरा पास पैसा तेरा हो जाएगा तो मैं तेरे घर आकर के पहुंचा दूंगा, यहाँ तक तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी बहन? अरे भैया साल भर के बाद राखी के त्योहार आया है, मैंने फिर सोची कि मेरे छोटे भैया घर पे, चलिए छोटे भैया एक राखी बांधे आओ तो फिर बड़े भैया बांधू। यानी तुम्हारे हाथों में राखी बांधने आई? जी भैया। लेकिन बहन उस दिन तूने अपने दरवाजे से मुझे अपना भाई नहीं भिखारी समझ करके भगा दिया था, आज इस भाई के लिए तेरे दिल में कहां से इतनी बड़ी जगह बन गई बहन? अरे मेरे बड़े भैया तुम तो छोटे छोटी बातों में नाराज, अरे जाने दो ना, आखिर मैं तुम्हारी लाडली बहन हूँ, खुद समझो। ये बात तो सही है, लूडली बहन है, लूडली ना तो राखी हरामी मर जाए। अगर ऐसी बात है बहन तो मैं भी तुम्हें अपनी सगी बहन ही मानता हूँ, और आज राखी का त्योहार है तो मेरे हाथों में राखी बांध सकती हो बहन, बांध सकती हो। तोरे कहती राखी हाथ में बांधती का? नहीं तोरे कहती का मुड़म बांधती। तोरे कहती कहीं हम कहाँ बांधती भैया? भैया हमारे कहती भी परे के पलड़े में देखे बांधती। अरे रखिया भैया सावन आए, रखिया बना लो भैया सावन आए, जिया भैया ना भैया के बार बार नमस्कार। इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली है उतना ही मुझे दुख भी है बहन। आज हर बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधी होगी तो हर भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ जरूर दिया होगा, लेकिन मैं इतना बदनसीब और अभागा भाई हूं कि तेरे हाथों में कुछ भी नहीं दे सका बहन। ले मिठाई सर सेट ले काहे बहन मिठाई धरा दे रे क्या भैया? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ बहन। कौन भैया? क्या बात है? मेरी बहना मेरी बहना बहना
राखी की लाज तेरा भैया निभाए। पट्टी के निवासी है, 21 रुपया दे रहे भैया के, बार बार नमस्कार है। बहन जी भैया, मालिक तुझे दुनिया में सलामत रखे, और मैं वादा करता हूँ कि अगर ये तेरा भाई आकाश इस दुनिया में सलामत रहेगा तो एक दिन ये राखी की कीमत जरूर अदा करेगा। बहन बैठिए बैठिए। अरे हमारो नाम काबा एक तब खुद ही नहीं जान कि हमारा नाम काबा। अरे नाजगारे हमारा मन इस पैसा उसी ने ले थी पर हलते तो जिंदा है या अब इन देवे मरे बात देवे यही मिठाइयों में ऐसा चीज मिला है यही ये नाजगारा खुद ही ससक के मर जाए। ए कहाँ गए रे? ए हन्ना हुआ ये नाजगारा पैसे की लूट मची है। ए हरामी और बतिया पैसा बड़े बहुत बहाना करा था या आज नहीं कल नहीं जैसे हमारे 2000 तक देना ये यहाँ आगे फिर वही छाया हुआ नाम भारतलाल पटेल 11 रुपया देता है कहा था जैसे तू बहिन हो जाए जैसे प्रधान अगर दोनों देने हो जाए तो दुनिया का विकास बहुत बढ़िया ले खाने ले रे। इनाद गला जल भैया तुम्हारे लिए